तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ये मोबाइल बैंकिंग किस तरीके से दोस्तों आप लोग इसको लॉगिन एक्टिवेट करेंगे लॉगिन करेंगे दोस्तों बिल्कुल नया तरीका मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आप लोग सर्च करेंगे तो ये आपका एप्लीकेशन यहाँ पे दिख जाएगा, इसको आपको ओपन करके ओपन कर लेना है। डाउनलोड करके ओपन करने के बाद यहाँ पे लॉगिन नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर कस्टमर आईडी डेट ऑफ बर्थ और ये मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। सारा डिटेल दोस्तों मैंने डाल दिया है, रजिस्टर पे यहाँ क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों ये आपके पिन सेट करने का ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा कठिन डालना है, 1 2 3 4 डालेंगे तो ये फिर नहीं होगा। तो मैंने जो 4 डिजिट डाला है ऊपर वही सेम 4 डिजिट नीचे भी डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेट पिन एम पिन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, किस तरीके से डालना है मैं आपको डिटेल के साथ बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ से दोस्तों आप लोग डाल देंगे, आपका जन्म तिथि क्या है, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपका अपना स्कूल का नाम डाल देना है। स्कूल का नाम आप लोग जो भी आपको याद रहे स्कूल का नाम, वो स्कूल का नाम आप लोग डाल देंगे। और तीसरा है दोस्तों आपका फ्रेंड का दोस्त, आपका कोई दोस्त वगैरह है उनका नाम आप लोग डाल देंगे जो आपको ध्यान रहे। और दोस्तों लास्ट में यहाँ पर डालना है आपको आपका टीचर का नाम, जो भी आपका अगल बगल या किसी का नाम अपने डाल देंगे जो आपको याद रहे अपना टीचर के नाम। और ये सभी डिटेल डालने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं डाल के आप आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने सारा डिटेल डाल दिया है, आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से डालेंगे, बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों। ये डेट ऑफ बर्थ आपका जो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, ये सभी डिटेल डाल दिया है, सबमिट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद ये आपका सक्सेसफुली हो गया है, अलाउ करेंगे। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP को आपको यहाँ पर डालना है। ये OTP ऑटोमेटिक ही डल के हो गया है, अगर आपका OTP नहीं डलता तो आपको डाल देना है यहाँ पर OTP। ये सभी डिटेल हो चुका है, अब यहाँ पर लॉगिन पे आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो आप लोगों ने 4 अंक का पिन सेट किया है इसको लॉगिन करते समय, वो पिन आपको यहाँ पर डाल देना है। दोस्तों ये पिन मैंने डाल दिया जो मैंने सेट किया था, उसके बाद ये प्रॉब्लम हो रहा है सभी डिटेल करने के बाद भी। तो अब आपको यहाँ पर ये बता रहा है आपका लोकेशन ऑन कर दिए, तो इसको मैं लोकेशन को ये ऑन कर देता हूँ, शायद इसी के रीजन की वजह से हो सकता है। तो ये लोकेशन को ऑन करने के बाद यहाँ ओके पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ये शायद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये लॉगिन हो चुका है। बाकी आपको भी प्रॉब्लम आता है तो आपको ये लोकेशन ज़रूर ऑन कर देना है। तो यही कुछ तरीका है दोस्तों इसको लॉगिन करने का। बाकी इसके बारे में और भी अगर आपको कुछ जानना हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी आप लोग स्टेटमेंट वगैरह सारा डिटेल देख सकते हैं, अकाउंट में कितना बैलेंस है वो भी देख सकते हैं।